सन 1972, 5 जून से 16 जून, स्टॉकहोम, स्वीडन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, 119 देश, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत, और फिर जन्म हुआ विश्व पर्यावरण दिवस का 5 जून 1973, पहला विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन अब बढ़ रहा है धरती का तापमान, कट रहे हैं घने जंगल, लुप्त हो रही है प्रजातियां, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, जल रही है धरती, तप रहा है आसमान और पिघल रहे हैं हिमखंड। जी हाँ, यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन न रहेंगी प्रजातियां, न बचेंगे जंगल, न होगी हरियाली और न होगा जल और न ही रहेगा जीवन, क्योंकि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण कैसे कर रहा है आपको प्रभावित, आइए हम बताते हैं। दरअसल पृथ्वी के सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसीलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि पृथ्वी की इन सभी वस्तुओं के बीच आवश्यक संतुलन को बनाए रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन मानव और अन्य जीवों के पास न तो लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु है, न ही स्वच्छ जल और न ही वो मृदा जिस पर उगे अनाज से मनुष्य अपना पोषण कर सके। और इसके साथ ही बढ़ रहा है मानव जीवन के प्रदूषित होने का खतरा। इन सब के उपायों के तौर पर हम सभी को अपने स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा ताकि प्रकृति शुद्ध और हम स्वस्थ रह सके। आइए जानते हैं कैसे। अधिक से अधिक पौधारोपण करें, कचरा व गंदगी न होने दें, जल व्यर्थ न बहाएं, न ही प्रदूषित करें, अनावश्यक बिजली न जलाएं, पॉलिथीन का उपयोग न करें, वर्षा के जल का संरक्षण करें और ध्वनि प्रदूषण न करें।